मैंने खुदा से पूछा कि तू हर बार छीन लेता है मेरी हर पसंद। तो हंस कर बोला, मुझे भी पसंद है तेरी हर पसंद। तो दोस्तों, आप भी अगर इस प्रकार की शायरी स्टेटस लगाना चाहते हैं अपनी फ़ोटो पर, बिना किसी काइंड मास्टर के और बिना किसी मेहनत के, आप बिना किसी लिखे आपको इस प्रकार की शायरी स्टेटस लगाना सिखाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहे, वीडियो को पूरा देखे, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, पहले बोल रहा हूँ। तो दोस्तों, चलते अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है MVWIT। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे MVWIT टाइप करके सर्च करता हूँ, तो आपको भी इसी प्रकार से MVWIT टाइप करके सर्च करना है। दोस्तों, अगर आपको ना मिले तो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने इसे पहले से डाउनलोड कर रखा है, तो मेरे सामने ओपन करने का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया होगा तो आपके सामने इंस्टॉल करने का ऑप्शन आएगा, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। आप जैसे इसे इंस्टॉल करेंगे तो आपको इसे ओपन कर लेना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो दोस्तों, ये नेटवर्क चालू होगा तभी काम करेगा। तो दोस्तों, आपको अपने फ़ोन का नेट ऑन कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ से अगर अपनी फ़ोटो पर शायरी स्टेटस लगाना है, तो आपको यहाँ से शायरी वाली कोई वीडियो देखनी होगी, तो मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। हाँ दोस्तों, तो मेरे को मिल गया ये वाला वीडियो जिसमें शायरी है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, आप जैसे इसे ओपन करते तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप इस बंदे की फ़ोटो को रिप्लेस करके अपनी फ़ोटो को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा होगा रिप्लेस फ़ोटो को, तो यहाँ पे आपको प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको उस वाली फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है जिस पर आप शायरी स्टेटस लगाना चाहते हैं। तो मैं इस वाली फ़ोटो पर अपना शायरी स्टेटस लगाना चाहता हूँ, तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको इस यहाँ से राइट वाले चिन्ह पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपने राइट वाले चिन्ह पर क्लिक करते हैं, तो उस बंदे की फ़ोटो हटकर आपकी फ़ोटो यहाँ पर सेट हो जाएगी। बिना किसी मेहनत के आपके फ़ोटो पर शायरी स्टेटस लग जाएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरी फ़ोटो पर शायरी स्टेटस लग चुका है। इसके बाद आप यहाँ से रिप्लेस म्यूजिक पर जाकर आप अपने म्यूजिक भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे म्यूजिक प्ले करके नहीं दिखा सकता, क्योंकि मेरी वीडियो में कॉपीराइट आ जाएगा। तो दोस्तों, आप यहाँ से म्यूजिक भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से बैक हो जाता हूँ। इसके बाद आपको इस मेक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा लोड होने में। इसके बाद आपकी वीडियो बनकर तैयार हो जाएगी, जिसको आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर या फिर स्नैप वीडियो पर या फिर फेसबुक पर कहीं भी पोस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं इसको लोड होने के बाद आपको दिखाता हूँ, तो आप थोड़ा सा वेट करो। तो दोस्तों, लोड हो चुका है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप यहाँ से व्हाट्सएप पर इसको शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, मैसेंजर पर, या फिर किसी अन्य एप्लीकेशन पर यहाँ से इसको शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं आपको एक बार गैलरी में प्ले करके दिखा देता हूँ, जिससे आपको यकीन हो जाए कि सही में ये वीडियो क्रिएट किया हुआ है। तो मैं यहाँ से इसको बैक हो जाता हूँ और अपने फ़ोन की गैलरी ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने गैलरी ओपन कर दी और इसमें ये वीडियो आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं, जो मैंने वीडियो क्रिएट किया था वो यहाँ पे बनकर तैयार हो चुका है। तो दोस्तों, अब इस वीडियो को आप अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगा सकते हैं, या फिर स्नैप वीडियो पर पोस्ट कर सकते हैं, या कहीं भी इसको पोस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं एक बार इसको वॉइस में आपको चला कर दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं, आवाज़ करके दिखा देता हूँ एक बार मैं आपको। मैंने खुदा से पूछा कि तू हर बार छीन लेता है मेरी हर पसंद। तो हंस कर बोला, मुझे भी पसंद है तेरी हर पसंद। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं वीडियो बनकर तैयार हो चुका है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर दोस्तों आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।